तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई सर्वाइवल सीरीज, बट इस बार हार्डकोर में। अगर इस जर्नी में हम एक बार भी मरे तो हमारा वर्ल्ड खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इधर बाबू भाई की तरह बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो वैसे तो एमसीपी में हम हार्डकोर खेल रहे हैं तो वीडियो नॉर्मल नहीं होने वाली है, बट इसे और भी डिफिकल्ट बनाने के लिए मेरे पास है कुछ गोल्स। तो हमारा पहला गोल है कि हमें एक विलेज ढूंढना है, क्योंकि विलेज की हमें हमेशा ही अपनी सर्वाइवल जर्नी में जरूरत पड़ती है। एंड सेकेंड गोल होने वाला है कि हमें बनाना है फुली आयरन, नहीं आयरन तो सभी बनाते हैं, हम बनाएंगे फुली डायमंड आर्मर। एंड लास्ट हमें अपने रहने के लिए बनाना है एक बेस। एंड और भी छोटे मोटे गोल्स हैं, वो भी बता दूंगा तो वीडियो में कैसे मजा आएगा। तो चलो अब वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। ओके, तो वर्ल्ड तो क्रिएट हो चुका है। एंड स्पॉन की बात करें तो स्पॉन थोड़ा ठीक ठाक ही है, बट इसे अभी बाद में देखेंगे। पहले माइनक्राफ्ट की प्रथा निभाते हुए कुछ काम कर लेते हैं। ओके गाइज, ऑल टूल्स एंड बेड डन। तो अब एक्सप्लोर करते हैं अपने वर्ल्ड को एंड देखते हैं इधर उधर विलेज मिलता है या फिर नहीं। वैसे तो मैं इतना ज्यादा लकी नहीं हूँ, फिर भी देखते हैं, लेट्स गो। ओके गाइज, तो नीचे की साइड तो सब जगह चेक कर लिया है, अब चलते हैं माउंटेन के उस तरफ देखने। गाइज वहाँ पर देखो शायद से घर है। ऑलराइट गाइज, तो हमने विलेज भी ढूंढ लिया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा पहला गोल भी यहाँ पर खत्म होता है, बट अभी से हमारा दूसरा गोल स्टार्ट हो चुका है। तो अब प्रिपरेशन करते हैं माइनिंग के लिए। ओके, ये रहा हमारा प्यारा गोलम। ओके, तो इसने तो तीन ही आयरन दिए, एक पिकेक्स बन जाएगी हमारी इससे। तो अब इस विलेज में भी थोड़ी ढूंढा ढांडी करते हैं, चेस्ट ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत यहाँ से आलू ले लेते हैं, ये खाने के काम आएंगे। A few moments later. तो गाइज यहाँ पर तो एक भी चेस्ट नहीं मिली, इसीलिए मैंने इन सभी विलेजर को, सभी को तो नहीं, एक दो को यहाँ पर अपने घर में ही बंद कर दिया। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं, बट अभी तो रात हो रखी है तो पहले सोते हैं। ओके गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अब चलते हैं अपने स्पॉन के पास। ओके गाइज, तो वुड की कमी होने के कारण हम थोड़ी बहुत ट्री कट कर लेते हैं। ओके, तो वुड मैंने इकट्ठा कर लिया थोड़ी बहुत। एंड अब ये बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम माइनिंग पर ही चलते हैं सीधे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी माइनिंग। तो पहले टॉर्च एंड फर्नेस बना लेते हैं, फर्नेस का तो आगे काम आएगा, लेकिन टॉर्च माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब चलते हैं आगे। तो हमें ऐसे नीचे डिग करते करते -57 वाई लेवल कोऑर्डिनेट पर जाना है, तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। बट ये क्या है, यहाँ पर एक नीचे केव है, बट रिस्क नहीं लेने का है बिकॉज ये हार्डकोर है, तो इसे छोड़कर साइड से चलते हैं। ओके गाइस, तो हमारे इस वर्ल्ड के पहले आयरन मिल चुके हैं, पहले इन्हें माइन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है एक माइनशाफ्ट, क्या बोलते हैं इसमें, चले चलो चलते हैं। यहाँ पर वैसे भी ज़ॉम्बी की इतनी ज्यादा आवाज नहीं आ रही है, एंड इससे भी थोड़े बहुत डायमंड मिल सकते हैं, चांस है, बट पहले ये थोड़ा बहुत कोल माइन कर लेते हैं, आगे हमें इसी की जरूरत पड़ेगी। और शिट गाइज, ये अचानक ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, मेरे पास कोई शील्ड भी नहीं है, भागो भागो, पहले तो भागते हैं एंड यहाँ से ब्लॉक करते हैं। ओके, तो अब जितना भी आयरन मिला पहले उससे शील्ड बनाते हैं एंड इस ज़ॉम्बी को भी ठिकाने लगाते हैं। ओके, तो अब चलते हैं, अब तो मेरे पास शील्ड भी है, बट ये आयरन मेरे से कैसे बच गया भाई, पहले इसे माइन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लेपिस लेजुली भी है, बट अभी हमारी ये किसी काम की नहीं है, तो इसे छोड़ते हैं। और ये लो, एक और ज़ॉम्बी आ गया, पहले इसे यहाँ पर लेके आते हैं। एंड अब बता, अब ये मेरे सामने कुछ नहीं है भाई, शील्ड है हमारे पास, तो एक बार फिर से चलते हैं। ओ भाई, तू कहाँ से आ गया। गाइज यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर ज़ॉम्बी के साथ यहाँ पर क्रीपर भी हैं। अब भाई मैं किसी भी केव में नहीं जाने वाला जब तक हमारे पास कोई आर्मर नहीं हो, तो यहाँ से चलते हैं एंड अपनी वही माइनिंग करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमें मिल चुके हैं हमारे इस वर्ल्ड के हार्डकोर सीरीज के पहले डायमंड्स, तो इन्हें माइन करते हैं। ओके, तो यहाँ से तो हमें 8 डायमंड मिल चुके हैं, अब थोड़े आगे चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर और भी डायमंड्स हो सकते हैं। ये रहे और डायमंड्स, तो इन्हें भी माइन कर लेते हैं। 5 डायमंड्स यहाँ से मिल गए, अब लगता है हमारा डायमंड आर्मर जल्दी बनेगा। One eternity later. Guys, पता नहीं मुझे खुद की नजर लग गई है क्या, यहाँ पर एक भी डायमंड नहीं मिला मुझे उन डायमंड्स के बाद। डायमंड्स कहाँ हो तुम।
ओके गाइस, तो कई देर की मेहनत के बाद फाइनली थोड़े बहुत और डायमंड्स मिल गए, बट इस बार तो 4 ही डायमंड मिले। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास 17 डायमंड्स हो चुके हैं, अब थोड़े बहुत डायमंड्स और। गाइस और ज्यादा डायमंड्स, लेट्स गो, इन्हें भी माइन करते हैं। और सीट, हमारी ये आयरन की पिकेक्स टूट गई, पहले ये बनाते हैं। एंड गाइस फाइनली हमारे पास पूरे डायमंड्स हो चुके हैं, 22 डायमंड्स हमारी इन्वेंटरी में है एंड 4 डायमंड्स अभी तोड़ने बाकी हैं, तो हमारे पूरे 26 डायमंड्स हो चुके हैं। वैसे 26 नहीं चाहिए, 24 में ही हमारा काम हो जाएगा, तो अभी इन्हें लेकर बाहर चलते हैं। और नहीं, बाहर तो अंधेरा हो रखा है, पहले सोते हैं। ओके गुड मॉर्निंग गाइज, वन मोर टाइम। तो सबसे पहले तो जितना भी कचरा हमारी इन्वेंटरी में, इसे चेस्ट में रखते हैं एंड अभी इसके बाद अपना डायमंड आर्मर बनाते हैं। ओके गाइस, तो अपना डायमंड आर्मर बन चुका है एंड अब हमें जोम्बी से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो अब पहले ये जितना भी आयरन बचा है, इसे स्मेल्ट कर लेते हैं फर्नेस में, एंड जितनी देर ये स्मेल्ट होता है उतनी देर हम अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लेते हैं। गाइज ये देखो मुझे क्या दिखा भाई, अपने स्पॉन के पास ही यहाँ पर प्लेजर आउटपोस्ट भी मतलब है, मतलब अच्छी अच्छी लूट्स, बट अभी इनसे पंगा नहीं लेंगे, इनके लिए थोड़ी बहुत और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो अभी वापस चलते हैं। ओके गाइज, तो लास्ट गोल हमारा बचा हुआ है जो कि है बेस बनाने का, तो चलो अब उस पर ही काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पर जगह क्लियर करनी पड़ेगी, तो चलो करते हैं। ओके गाइस, तो कई देर की मेहनत के बाद जगह तो यहाँ पर क्लियर कर दी है, बट यहाँ पर ये देखो बीच में एक और केव निकल आई। इस वर्ल्ड में बहुत सारी केव हैं, बट हम इनमें जा नहीं सकते, तो इसे बंद कर देते हैं। ओके गाइस, तो अब हमारा बेस बनाने के लिए हमें बहुत सारी ट्री की जरूरत पड़ेगी, तो चलो अब ट्री इकट्ठा करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो मैं ट्री कट कर रहा था एंड मुझे क्या मिला भाई, इतना ज्यादा लकी वर्ल्ड मुझे पहली बार मिला है। चलो अभी इस रोइन पोर्टल की लूट भी देख लेते हैं। गाइस इतनी सारी गोल्डन कैरेट्स, वो भी बिना मेहनत के, चलो इन्हें ले लेते हैं। एंड ये थोड़ी बहुत ऑब्सिडियन फ्लिंट एंड ये क्या बोलते हैं इसे, फ्लिंट स्टील है, इसे ले लेते हैं। एंड अगर आप लोगों को भी इस वर्ल्ड की सीट चाहिए तो कमेंट में बताना। तो अब लगने वाला है बहुत सारा टाइम, तो इसीलिए मैं आपको मिलूंगा सारा काम करने के बाद। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने बना लिया अपना छोटा सा प्यारा सा बेस, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका छोटा सा टूर दे देता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही आप इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको ये नई वाली ट्री की वो मिलेंगी लीव्स, इससे थोड़े बहुत पत्ते झड़ते रहते हैं तो ये अच्छा लगता है। एंड सामने भी आपको यही मिलेंगे एंड काफी सिंपल बनाया है मैंने इसे। एंड सबसे बड़ी बात, इसे मैंने खुद डिजाइन किया है, तो इसके लिए तो आपको एक लाइक करना पड़ेगा एंड कमेंट में ये भी बताना कि आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग दोगे। ओके, तो अपना रहने के लिए भी एक बेस डन हो चुका है, बट अभी भी फूड की प्रॉब्लम है, बिकॉज कब तक हम इन एनिमल्स को मारेंगे, तो इसके लिए थोड़ी बहुत खेती बाड़ी का जुगाड़ करते हैं। The next day. Okay guys, आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारे खाने के लिए मैंने ये खेत बनाए हैं एंड ये जो प्लांट्स किए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, पोटेटो एंड थोड़ी बहुत सीड है, तो ये मैं विलेज से लेकर आया था, तो इससे हमारे खाने की समस्या भी समाप्त होती है। एंड गाइज मुझे लगता है कि ये वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो रही है, तो इसे भी यहीं समाप्त करते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी बताना एंड लाइक सब्सक्राइब करना ही है। मैं मिलूंगा आपको ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।